ये केस 2003 का है। इसमें स्टार्ट में दो आरोपी अरेस्ट किए थे, एक यूएस नेशनल लेडी थी, उसका मर्डर हुआ था। वो दोनों आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने के बाद वो केस छूट गए थे न्यायालय से। दोनों आरोपी निर्दोष साबित हुए थे। उसको पुलिस की तरफ से और महाराष्ट्र शासन की तरफ से हाईकोर्ट में अपील दाखिल किया था और वो अपील सुनवाई के लिए 2021 में आया। अपील सुनाने के लिए दोनों एक्यूज जो थे वो गैर हाजिर रहते थे, वो तारीख पे नहीं आते थे। इसके लिए हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। वो गैर जमानती वारंट का बजावनी चल रहा था, उसमें हाईकोर्ट ने माननीय पुलिस आयुक्त को डायरेक्शन दिया था कि वो खुद पर्सनली ये जो वारंट है उसके बजाने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो इस हिसाब से माननीय पुलिस आयुक्त श्री सदानंद दाते जी और जोन वन के डीसीपी श्री अमित खड़े सर, उन्होंने हमें इस वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए बोला था। उस हिसाब से हमने एक आरोपी को गुजरात से पकड़ के लाया था, जो मेन आरोपी था, जिसका एड्रेस यूएस में था, लेकिन वो यूएस नहीं मिला, इधर ही मिला अपने को, गुजरात में, बड़ौदा में। उसको उसको यहाँ अपने कोर्ट के सामने हाजिर किया था। लेकिन दूसरा जो आरोपी था विपुल पटेल, उसका वारंट बजाने के लिए हम लोग जब बड़ौदा गए तभी पता चला कि ये यूके में स्थायी हुआ है 2006 में, तब से वो इधर आया नहीं। तो फिर उसका वारंट बजाने के लिए हमने सीआईडी सीबीआई इंटरपोल के थ्रू वो प्रयास जारी किए थे और इंटरपोल के थ्रू उसको नवंबर 2021 में प्राग में उसको एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे प्राग, उधर वो पकड़ा गया। वो जानकारी अपन लोग को मिलने के बाद वो सब एक्सट्रेशन प्रक्रिया चालू किए थे। एक्सट्रेशन प्रक्रिया में माननीय पुलिस आयुक्त श्री सदानंद दत्ते सर, अपर पुलिस आयुक्त और जोन वन के डीसीपी श्री अमित काळे सर, उन्होंने सब प्रक्रिया सब रेडी करके चेक लैंग्वेज में उनको अपना जो प्रस्ताव था वो भेजा। वहाँ के कोर्ट में सुनवाई के बाद अपना प्रस्ताव मंजूर हो गया और अपने को 28 मई 2022 में 22 तक 3 महीने का मोहलत दिया था कि उसको एक्सटेंशन करके यहाँ से लेके जाए। तो फिर बाकी अपन ने गवर्नमेंट से परवानगी लेके सब प्रक्रिया करके हम लोग 21 तारीख को वहाँ गए थे। डीसीपी अमित खड़े सर, मैं खुद और प्रमोद बड़ा क्राइम पिया है और एक योगेश काले करके ये पेदे ने उभर के, ऐसे हम 4 लोगों की टीम सीपी सर के गाइडेंस में प्राग में गए थे हम लोग 21 तारीख को, और कल वहाँ से हम लोग आरोपी को लेके यहाँ आए। आज आरोपी को कोर्ट में हम लोग पेश करेंगे। ये क्या मामला था, किस मॉडल की हत्या हुई, किस प्रकार से हुई, कौन आरोपी? 2003 में प्रज्ञेश देसाई करके एक इंडियन नेशनलिस्ट था, लेकिन वो यूएस में स्थायी हुआ। उसकी दोस्त थी लियोना स्वीडिस की करके नाम की लेडी थी यूएस की, उसका और इसका कुछ प्रेम संबंध थे। और इसको कुछ जानकारी मिली थी कि उसकी जो प्रेगनेंसी की पहली बीवी है उसकी जान के लिए इसने कुछ गुंडों का सहारा लेके उनके ऊपर हमला करने वाली है, ऐसा उसको जानकारी मिली थी। तो वो उसको लेके इंडिया में आया और यहाँ अपने दोस्तों के साथ उसका एयरपोर्ट पे ही मर्डर किया और वहाँ से खुद एयरपोर्ट से नीचे एयरपोर्ट भी रुक गया। और ये 3 लोग उसकी बॉडी लेके गुजरात की तरफ जा रहे थे। जाते वक्त उन्होंने काशीमेरा के एरिया में जंगल पे जो रोड है हाईवे अपना घोड़बंदर, उधर ही बॉडी डाल के वो निकल गए गुजरात में। तो यहाँ गुना दाखिल हुआ था काशीमेरा में और वहाँ प्रज्ञेश ने मिसिंग दाखिल कर दी खुद ही कि मेरी जो फ्रेंड थी वो एयरपोर्ट से मिसिंग हुई है। तो दूसरे दिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो मिसिंग, काशीमेरा वालों को पता चला कि इन्वेस्टिगेशन के जो मिसिंग दाखिल किया है वही लड़की की बॉडी है। फिर उसको प्रज्ञेश देसाई को इधर इंक्वायरी के लिए लाया, उसके दोस्त लोगों को इंक्वायरी के लिए लाया, तभी इंक्वायरी में पता चला कि प्रज्ञेश ने उसके अन्य साथी के साथ उसका खून किया था। इस मामले में कितने आरोपी अटक हुए? जब स्टार्ट में शुरुआती में 2 आरोपी अरेस्ट थे, प्रज्ञेश देसाई और विपुल पटेल, और दो बाद में 2-3 साल के बाद में और 2 आरोपी अरेस्ट हुए, टोटल 4 आरोपी को अरेस्ट किया था। पहले दो जो आरोपी निर्दोष साबित हुए उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने अपील दाखिल किया था और उसकी सुनवाई अभी हाईकोर्ट में चल रही है। इसमें ऐसा भी मालूम पड़ता है कि जो प्रज्ञेश जो मुर्दा आती है वो अपनी जो ये मरी है उसका कुछ मेडिक्लेम लेने के चक्कर में कुछ ऐसा किया था। उसमें ऐसा था कि इसने मेडिक्लेम तो उसके नाम से बहुत से निकाले थे और उसका जो नॉमिनी होता है वो प्रज्ञेश था, ऐसी जानकारी है, लेकिन चार्जशीट में उसका ज्यादा जिक्र नहीं है उसके डिटेल्स वाले।